अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है एक तरह से। तो ये चर्चा में आ जाता है। आप जानते हैं कि जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाए जाते हैं तो उसमें सभी देशों को आपको देखना होता है एक तरह से, भारत उनके बीच क्या संबंध रहे। समय समय पर आपने देखा है चाइना के बारे में हम लोग बात करते रहे, भारत नेपाल के संबंधों के, भारत चाइना के, भारत चीन के, जैसे चीन चाइना सब यही, श्रीलंका के बारे में बात करते रहे हम लोग, बांग्लादेश के बारे में बात करते रहे, अमेरिका हो, बाकी पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, आज बात करते हैं वियतनाम के बारे में। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत। जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, और ऊपर चाइना है, नीचे नेपाल लगा हुआ है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप सभी लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है हमसे, उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे कम। ठीक है, अब इस तरफ आप जाएंगे तो एशिया में ही आप देखेंगे ये है वियतनाम। क्या है, कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया में है आपका वियतनाम। ठीक है, ये अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में चीन से लगती है इसकी सीमा, यहां देखेंगे आप लोग तो इसकी सीमा उत्तर में चीन से, और पश्चिम में आप देखेंगे लाओस से, किससे, लाओस से, यहां इसकी सीमा लाओस से लगती है, और दक्षिण में आपको कंबोडिया देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ ये दक्षिण चीन सागर है, क्या है, दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, याद रखिए इसके बारे में। इसकी राजधानी की बात करें तो हनोई है, क्या है, हनोई इसकी राजधानी, ये है आप इसकी राजधानी हनोई। चलिए बात कर लेते हैं अब आर्टिकल के बारे में। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भविष्य की बेहतर संभावनाओं के लिए एक नए संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत दोनों देशों के साझा हितों और रणनीतिक चिंताओं के संदर्भ में वियतनाम को एक भरोसेमंद मित्र देश के रूप में देखता है। वर्तमान में दोनों ही देश रक्षा, व्यापार, भू राजनीतिक क्षेत्र के कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दोनों देश समानता पर आधारित बहुपक्षवाद, सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा व्यवस्था का सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मूल्यों को साझा करते हैं। भारत और वियतनाम के बीच अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर यह व्यापक सहमति भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की संभावना का संकेत देती है। एक बात और याद रखिए, अभी अभी लॉकडाउन आपने देखा है कि कोरोना की वजह से जो भी हो रहा है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, एक तरह से डिजिटल, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी आपने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। और याद रखिए अभी से नहीं, हमारे वियतनाम से संबंध बहुत पुराने रहे हैं, और आपके कई बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और लिखित परीक्षा में भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो बड़े अच्छे से आप लोग पढ़ा करिएगा। और एक बात और याद रखिए, आप लोग कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर प्रीलिम्स के, और यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो, और इतने ही 5-6 साल के क्वेश्चंस पेपर आप लोग लिखित परीक्षा के अपने सामने रखिए, और सिलेबस भी एक तरह से पाठ्यक्रम भी आप अपने सामने रखिए। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो आपको तुरंत याद रखना है कि किस पेपर से जोड़ा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह की बातें याद रखिए। अगर भारत और वियतनाम की पृष्ठभूमि की बात करें संबंधों की, तो भारत और वियतनाम के संबंध दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद से ही मित्रवत तथा सौहार्द पूर्ण रहे हैं। वर्ष 1954 में डी एन बेयन फू में फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध वियतनाम की विजय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वियतनाम जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ही एक तरह से दोनों देशों के बीच मित्रता की ओर एक तरह से कदम बढ़ाया था। 1956 में भारत ने हनोई वियतनाम की राजधानी में अपने महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी, और फरवरी 1958 में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन पहली बार भारत की यात्रा पर आए, जिसके बाद आप देखेंगे वर्ष 1959 में भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम की यात्रा की थी। आप सभी लोग जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति साहब पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वियतनाम ने वर्ष 1972 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की, और भारत वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाने में वियतनाम के साथ खड़ा हुआ है।
और वर्ष 1990 के दशक की शुरुआती वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया का के साथ आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से भारत द्वारा अपनी लुक ईस्ट नीति की शुरुआत के चलते भारत एवं वियतनाम के संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। और हमारा पड़ोसी देश है, याद रखिए, जितने हमारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहते हैं उतनी हमारे देश में शांति, एकता और एक तरह से प्रगति कर सकता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं ना, तो एक तरह से वही है, अपने गांव में देखते हैं ना कि आपकी बुराई आपके दोनों पड़ोसियों से, ना तो आप ऊपर उठ पा रहे हैं और ना ही वो ऊपर उठ पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 21वीं सदी जो है एशिया की सदी मानी जाती है। विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे कि चाइना और भारत की, क्योंकि आपने देखा है कि चाइना और भारत के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या बाजार के लिए बहुत अच्छी है। आप सोचिए, आप लोग की मांग ही ना हो, आप मान लीजिए कि टमाटर की खेती कर रहे हैं, कोई खरीदने वाला ना हो, क्या होगा? तो खरीदने वाले भी तो चाहिए, तो खरीदने वाले इंडिया और चाइना के पास काफी है। यहाँ आप देखेंगे, जैसे आप सोचिए हमारे पाकिस्तान से सही रिलेशन हो, संबंध हो, नेपाल से, म्यांमार से, थाईलैंड, इन सभी देशों से, चीन, तो आप समझिए कि यहाँ से हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। अफगानिस्तान अभी हमें जाना है तो यहाँ से जाते हैं, ईरान का सहारा लेते हुए, और इस तरफ कहीं भी जाना है आपको, अगर हमारे पाकिस्तान से और चाइना से संबंध अच्छे हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से पहुंच सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग। और याद रखिए, इनसे कोई आपको लॉकडाउन के टाइम भी देखा है कि यहाँ हम लोगों ने काफी मदद की है देशों की। अब यहाँ से आप देखिए कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बांग्लादेश को हम लोग तुरंत एक तरह से कुछ भी आवाजाही कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये भी देखने को मिलता है। वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान की गई है। अगर बात करें सहयोग के क्षेत्र, अब आप सोचिए कि आपकी और आपकी दोस्त किसी से मित्रता होती है या आपका व्यापारिक साझेदारी होती है, तो कोई मेन एक तरह से क्षेत्र तो होगा उसे में ध्यान में रखते हुए आप किसी से दोस्ती करते हैं। आज आप समझिए, आज की हकीकत यही है कि आप किसी गरीब से दोस्ती नहीं करेंगे जिससे आपका काम कभी जिंदगी में ना पड़ता हो, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी से काम हमारा पड़ना है तो उससे हम दोस्ती तुरंत कर लेते हैं। तो यही हाल है देशों का। कभी आप देखते थे कि चाइना और पाकिस्तान का साथ देता था अमेरिका, क्योंकि उन्हें अमेरिका के लिए ये दोनों फायदेमंद देश थे। आज आपने देखा है पाकिस्तान और चाइना का सपोर्ट कर रहा है रूस और अमेरिका हमारी तरफ झुका है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिकी एक मतलबी दोस्त की तरह है, चाइना को प्रतिस्थापित करना है, आगे बढ़ने से रोकना है, दक्षिण चीन सागर में रोकना है, तो भारत की मदद की जरूरत है अमेरिका। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को रोकने के लिए वो चाइना से भी पाकिस्तान से मिल सकता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि स्थायी कोई देश दोस्त नहीं होता है। सामरिक भागीदारी, दोनों ही देशों ने भारत की हिंद प्रशांत सागरीय पहल और हिंद प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। IPOI भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2019 में थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई एक पहल है। इसे भी आप लोग याद रखिए। यह पहली समुद्री सुरक्षा सहित 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें आप देखेंगे समुद्री पारिस्थितिकी, आप फिर आप देखेंगे समुद्री संसाधन, फिर आप देखेंगे क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम में कमी तथा आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार कनेक्टिविटी व समुद्री परिवहन शामिल है इसमें। ठीक है, भारत ने वियतनाम से IPOI के 7 बिंदुओं में से एक पर भागीदार बनाने का आह्वान किया है। अब अगर इनके बीच हम लोग आर्थिक सहयोग की बात करें कि भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक सहयोग क्या है, कि क्षेत्र कौन कौन से है, आसियान भारत मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक क्षेत्र के सहयोग में काफी प्रगति देखने को मिली है। भारत को पता चला है कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्त आर्थिक विकास के साथ एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है। इसके साथ आप देखेंगे हाल के वर्षों में वियतनाम ने आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है और वैश्विक व्यापार में गिरावट के बावजूद इसमें वृद्धि बनी रही है। इस प्रगति के लिए वियतनाम के बढ़ते निर्यात अधिशेष को उत्तरदायी माना जाता है। वियतनाम के मध्यम वर्ग की वजह से भी बाजार में स्थिरता की स्थिति देखी गई है। फिर आप देखेंगे वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के स्रोतों की खोज हेतु भारत द्वारा अपनी उपस्थिति का विस्तार किए जाने की प्रति भी उत्सुकता व्यक्त की है।
साथ ही वियतनाम ने दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया है कि ये क्षेत्र पूर्ण रूप से वियतनाम के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। भारत द्वारा त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता सहयोग में निवेश किया जा रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे कि वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत द्वारा निवेश किया गया है। एक बात और यहाँ आपको बोल दूं, सतत विकास लक्ष्य जो जिन्हें आप लोग SDG इंडेक्स कहते हैं, इनके बारे में आप लोग रट लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने भी बात की थी, तो आप जाइए स्पेशल वीडियो फॉर ISPCS में डला होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है। आप जब लिखित परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तब भी आपको ये काफी उपयोगी होंगे पॉइंट, ठीक है। भारत द्वारा 1976 से ही वियतनाम को कई मौकों पर लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। अगर आप बात करें रक्षा सहयोग की, तो वर्ष 2009 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में काफी प्रगति हुई है। वर्तमान में जहां वियतनाम ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की में रुचि दिखाई है, वहीं आप देखेंगे भारत भी इस रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अपने दक्षिण पूर्व एशियाई साझेदारों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप में से विकसित करने का इच्छुक रहा है। वियतनाम में भारत की आकाश सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली और ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा ब्रह्मोस मिसाइल के प्रति अपनी रुचि भी दिखाई है। इसके अलावा आप देखेंगे अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण, सामान्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना, कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग आदि भी शामिल है। अगर चीन के मुद्दे की बात करें हम लोग, यहाँ काफी आपको मददगार हो सकता है वियतनाम। क्यों? अगर चाइना को हमें कंट्रोल करना है तो हमें अपने जो भी दक्षिण एशिया एशिया में देश हैं उन्हें हमें अपने साथ जोड़ना होगा, ठीक है। और इसका अच्छा मौका भी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक समय अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति जिस तरह से चलती थी ना, कि विस्तार करिए विस्तार करिए, इसी तरह आप देखेंगे चाइना की जितने भी देशों से सीमा लग रही है सभी से उसका विवाद चल रहा है, ठीक है। भारत और वियतनाम दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से चीन का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े हैं और दोनों का ही चीन के साथ सीमा विवाद रहा है। साथ ही आप देखेंगे चीन ने आक्रामक रूप से अभी भी दोनों देशों की सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां जारी की हैं। हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश, हमने देखा है सिक्किम, लद्दाख, आप सब जगह देख रहे हैं। ऐसे में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच सहयोग में वृद्धि होना स्वाभाविक है और अच्छी बात भी है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? वैश्विक स्तर पर समन्वय, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती रणनीतिक चुनौतियों विशेष क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से जुड़ी को देखते हुए भारत और वियतनाम को संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना होगा। अभी आपने देखा है कि संयुक्त परिषद में, संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है उसमें हमारे भारत की एक तरह से नामित भी हुआ है, चुना भी गया है, ठीक है। आपको ये बताना है किस साल के लिए चुना गया है और कौन सी बार इस बार चुना गया है, सर्च करिए और नीचे आप लोग लिखिए, कई बार बता चुका हूं। इस संदर्भ में भारत और वियतनाम को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राप्त होने वाली अपनी अस्थायी सदस्यता का लाभ उठाना चाहिए। और स्थायी सदस्यों के बारे में आपको याद रखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग सभी संगठनों को कवर कर चुके हैं, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है कि जो ये रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, उनके बारे में जरूर याद रखिए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल हर परीक्षा में। आर्थिक क्षेत्र में समन्वय की बात करें हम लोग, वर्तमान में भारत और वियतनाम को वैश्विक स्तर पर उठ रही चीन विरोधी भावनाओं और कई बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने के निर्णय के बीच उत्पन्न हुए आर्थिक अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत को एक व्यापक रणनीति की तैयारी पर कार्य करना होगा, ताकि भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में शामिल न होने के निर्णय का दोनों देशों के संबंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि आपने देखा है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से भारत अलग हो गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे वियतनाम की खुली व्यापार नीति से भी भारत बहुत कुछ सीख सकता है, जिसके कारण 8 वर्षों में वियतनाम के निर्यात में लगभग 240% की वृद्धि हुई है, काफी अच्छी प्रगति कह सकते हैं आप लोग। अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय की बात करें, वर्तमान में आसियान समूह में वियतनाम की अध्यक्षता भारत और आसियान के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मिलकर कार्य करने की प्रक्रिया को आसान बना सकती है। और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये के कारण आसियान के तहत ही इंडोनेशिया जैसी
कुछ बड़ी शक्तियों के चीन के खिलाफ खुलकर सामने आने को भी संभावना है। और आपने देखा है इंडोनेशिया और तुर्की ने हमारे जो हम लोगों ने 370 हटाया था उसके खिलाफ भी इन्होंने कई बार बयानबाजी की है, ठीक है? तो ये हमारे खिलाफ बोलते हैं हमेशा। और मजबूत संबंधों की स्थापना की अगर बात करें तो भारत और वियतनाम को रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। और हाल ही में गलवान घाटी ने भारत और चीन के बीच उपजे तनाव और चीन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उल्लंघन के मामलों के कारण वियतनाम जैसे देशों के साथ भारत के सैन्य संबंधों को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो यही कहानी है आपकी भारत और वियतनाम के जो भी संबंध हैं उनके बारे में। तो याद रखिए, एक तरह से आप समझ लीजिए कि सभी देशों के बारे में जो चर्चा में रहते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अभी आपसे पूछ लेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा, भारत और वियतनाम चर्चा में थे, किस समझौते के तहत या क्या हुआ है, इनके इतिहास संबंध क्या रहे हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कुछ भी, ठीक है?